हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि और मैं आपको 10 ऐसे लिक्विड फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आपके प्लांट को ग्रोथ करने में और बहुत हेवी फ्लावरिंग लाने में, या अपने आप फ्रूट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, आप उसमें सभी में इसको आप यूज कर सकते हैं। या आपके अगर बर्ड्स वगैरह नहीं बनती हो और फ्लावरिंग कम होती हो तो सभी में आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे किचन से ही निकले हुए ये सारे फर्टिलाइजर हैं और बिल्कुल फ्री के हैं और ऑर्गेनिक हैं। तो आइए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं हमेशा यूज करती हूँ, जो कि बहुत देने में भी इजी है और इसका काम भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और आप देख ही रहे हैं कितने सारे ब्लूम हो रही है। और इस टाइम तो हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो हम इन फर्टिलाइजर को बेझिझक अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन मिलता है। और आप इसे मैं तो हमेशा इसे आजमाती हूँ, हमेशा डालती रहती हूँ और इजी डालना भी इजी है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये है, ये हम नींबू के इसमें छिलके हैं। तो हम गर्मियों में नींबू तो बहुत यूज करते हैं, तो इन छिलकों को अगर हम एक दिन या दो दिन के लिए पानी में ऐसे रख दें तो इस ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है। और जो जैसे गुलहर हुआ और रोज हुआ या हमारा बोगनवेलिया हुआ, तो इसमें ये एसिडिक सॉइल बनाने में बहुत हेल्प करता है। और इन तीनों प्लांट को, चाहे जैस्मिन हुआ, एसिडिक क्षारीय सॉइल बहुत पसंद है, तो इसमें ये आप बेझिझक इसे डाल सकते हैं और ये सॉइल को बहुत ही एसिडिक बना देता है और हेवी फ्लावरिंग लाने में बहुत ही ये मदद करता है। और ये हम फेंक ही देते हैं, ये तो फ्री का ही है। तो इसे दो तीन दिन पानी में रख के या एक दिन भी रख दें, गर्मी है तो, और उसके बाद आप इसे डायरेक्ट आप इस पानी को आप जैसे, आइए मैं अपना गुलहर दिखा देती हूँ कितने सारे बर्ड्स हैं। तो मैं आजकल इसी से मैं बाहर नहीं जा सकती, देखिए कितने ढेरों इसमें बर्ड्स बने हुए हैं, बहुत सारे इसमें बर्ड्स बने हुए हैं सारे प्लांट में। देखिए कलियां कितनी आ रही है इसमें। तो आप इस गुलहर में आप आराम से ऐसे, और अगर इसका ये चला जाए, छिलका भी चला जाए तो कोई नहीं, नहीं तो इस छिलकों को पानी डाल के फिर इसे इसमें डाल के पानी भर के फिर रख दें और फिर इसे दोबारा डाल दें, तो ये बहुत ही सॉइल को एसिडिक बनाने में काम देता है। और ये हमारा एलोवेरा है, तो हमारे यहाँ बहुत सारा एलोवेरा होता है। तो इसका एक ऐसे टुकड़ा ये काट के इस एलोवेरा को आप मिक्सी में पीस लें या छोटे छोटे टुकड़े करके इसको रात भर पानी में रख दें और फिर इस पानी को आप किसी भी प्लांट में दे दे। तो ये एलोवेरा है, एक तो ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है और ये जो हमारे रूट में फंगस वगैरह लगता है उसे भी ये बचाता है और हमारे रूट को बहुत हेल्दी बनाता है, ये अंदर से बहुत मजबूत कर देता है। तो आइए मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने देखिए ये रात भर मैंने रख दिया है और इसका पानी ऐसे हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके रात भर रख दीजिए या दो दिन भी रख दीजिए या मिक्सी में पीस के पानी में मिला के आप किसी भी प्लांट के रूट में दे दें तो उसका रूट बहुत हेल्दी और बहुत ये इंसेक्ट फ्री, फंगस फ्री बनेगा और आपके ब्रांचेज और लीफ वगैरह बहुत हेल्दी होंगे। तो इसका पानी भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा लसलसा टाइप का होता है। और ये और इसे इस एलोवेरा को फेंके नहीं, इसे किसी भी मिट्टी में दबा दे तो ये फिर कंपोस्ट बन जाता है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव ये एलोवेरा का पानी है। और ये हमारा है ओनियन पील फर्टिलाइजर, जो हम प्याज के छिलके फेंक देते हैं, तो उसे आप एक रात इस छिलकों को रख दीजिएगा पानी में, तो ये ऐसे इस कलर का हो जाता है। और ये ऑर्गेनिक एनपीके है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम सारे कुछ हैं और ये फ्लावरिंग लाने में और न्यू बर्ड्स लाने में बहुत हेल्प करता है। तो इसे छान के या डायरेक्ट भी आप थोड़ा थोड़ा प्लांट में दे सकते हैं। ऑर्गेनिक है, ज़्यादा कम होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो ये फ्लावर लाने में बहुत हेल्प करता है और ये एनपीके ऑर्गेनिक है, तो आप इसे छिलकों को भी मत फेंकिए, बहुत यूज में आता है ये ऑनियन पील। और अभी उसके बाद ये चावल, तो चावल का पानी में भी बहुत अच्छा पौधे के लिए पोषक तत्व होता है, इसमें जो स्टार्च वगैरह रहता है वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका पानी भी आप फेंकिए नहीं। और चावल तो हमारे घरों में रोज ही बनता है, तो इसका पानी भी बहुत ही यूज में आप ला सकते हैं। डेली बिना डाइल्यूट किए हुए धो के आप अपने इंडोर हुआ या आउटडोर प्लांट हुआ, आप उसमें ये चावल का पानी डाल सकते हैं। और ये है दाल का पानी, और दाल हम भिंगो के कुछ देर छोड़ देते हैं। और ये जो पानी होता है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और पौधों के लिए बहुत पोषक तत्व होता है, और यकीन मानिए ये पौधों के लिए या वेजिटेबल्स हो, फ्लावर्स हो, इंडोर प्लांट हो, सभी में आप इसे डाल सकते हैं। और आप इसे डायरेक्ट प्लांट पे दे सकते हैं, देखिए ये इस कलर का हो जाता है दाल भिंगोने के बाद। और ये देखिए ये मेरा पुदीना का प्लांट है, और मैं डायरेक्ट इसे इस प्लांट में बिना डाइल्यूट के दे दूंगी। और देखिए मैं हमेशा ऐसे दाल धो के इसमें डाल देती हूँ, तो देखिए कितना हेल्दी और कितना अच्छा ये पुदीना का प्लांट हुआ है। और ये है हमारा बनाना पील फर्टिलाइजर, तो मैं बनाना पील फर्टिलाइजर जो बनाना के छिलके होते हैं मैं बहुत यूज करती हूँ। और देखिए मैंने ऐसे ऐसे बहुत सुखा के भी रखे हुए हैं और पीस के, और जो ये मेरा 2 वीक का बनाना पील फर्टिलाइजर जो केले के छिलके होते हैं, तो 2 वीक में देखिए ये नीचे पूरा बैठ गया है, पानी इसका ऐसा हो गया है। और ये इसमें पोटास की मात्रा बहुत होती है जो कि फूलों को ब्लूम करने में ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग में बहुत हेल्प करता है। और इवन ये आप इसे जो टमाटर के पौधे हो, मिर्ची के पौधे हो, उस पर आप इसको डाल सकते हैं। और पोटास के साथ साथ इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन, बहुत सारे चीज इस पील में रहता है बनाना के छिलके में। तो आप इस पानी को आप थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके या थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, अगर इसकी मात्रा कम है तो बनाना की, तो डायरेक्ट भी सकते हैं, पानी भी मिला के दे सकते हैं। ये तो ऑर्गेनिक है, तो बहुत ये अच्छा फ्लावरिंग में ये काम देता है बनाना का पील फर्टिलाइजर, इसे फेंके नहीं, और बहुत ही इफेक्टिव ये लिक्विड फर्टिलाइजर है। और ये है हमारा हल्दी का पानी, तो हल्दी का यूज़ तो हम सभी जानते हैं, जैसे हल्दी हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और हमें स्ट्रांग बनाता है, उसी तरह ये पौधों को भी स्ट्रांग बनाता है, बहुत हेल्दी बनाता है। और इसका पानी अगर हम डालते हैं प्लांट में तो ये जरूर में जाकर और जड़ों के नीचे तक ये जड़ों को हेल्दी और रूट रॉट जो सड़ने लगता है, रूट हमारे और फंगस लगने से ये बचाता है। तो डायरेक्ट इसे आप पानी में दे दें या इस पानी को स्प्रे पूरे लीफ में कर दें। और मैंने आपको इसे पहले भी दिखाया था कि देखिए ये जो मेरे ये कलियां जो अभी ख़राब हो रही थी, अब देखिए इसमें कितने सारे अब अच्छे बर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने हल्दी का ही यूज किया, तो ये बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है और रूट को बहुत हेल्दी बनाता है। अगर रूट हेल्दी रहे तो प्लांट भी हमारा बहुत हेल्दी रहता है। तो इस पानी को भी आप यूज करें सप्ताह में 2 दिन, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद है ये ऑरेंज पील फर्टिलाइजर, तो ऑरेंज पील फर्टिलाइजर हमारे रोज के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे रोज को एसिडिक सॉइल चाहिए, तो ये ऑरेंज पील फर्टिलाइजर देखिए, ये मेरा 1 वीक का फर्टिलाइजर है, ये देखिए। तो ये ऑरेंज पील फर्टिलाइजर ये भी बहुत काम का है, ये हमारे रोज के लिए प्लांट के लिए तो बहुत ही वरदान है ये, और ढेरों फूल लाने में ये बहुत ही हेल्प करता है, क्योंकि ये सॉइल को एसिडिक बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो रोज में आप रोज हो या हिबिस्कस हो, जैस्मिन हो, सभी में ये ऑरेंज के छिलकों का ये पानी यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं वैसे ही सारे छिलके जैसे एक ओवरनाइट के लिए पानी में डाल दें और इसे आप डायरेक्ट भी आप प्लांट पे यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप पौधों में
में साइड में दे सकते हैं, तो बहुत ही ये एसिडिक बनाने या क्षारीय मिट्टी बनाने में हेल्प करता है। और उसके बाद है ये चाय के पत्ती। तो चाय पत्ती जो हम फेंक देते हैं, अगर हम इसे अच्छी तरह से धो के इसमें जो मीठापन है वो निकल जाए और धूप में सुखा के अगर इसे यूज करें लिक्विड फॉर्म में, इस चाय की सूखे हुए पत्ती को अगर पानी में एक दिन दो दिन के लिए डाल दें और फिर इसे एक चम्मच फ्रेश मिला चाय की पत्ती मिला लें या ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो देखिए इसका पानी बिल्कुल ऐसा हो जाता है एक दिन रखने के बाद ये चाय की पत्ती को। तो मैं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा यूज करती हूँ, सुखाने के बाद फिर से एक दो दिन पानी में छोड़ देती हूँ। और ये जो चाय की पत्ती होती है गुलाब के फूलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खूब ज़्यादा फूल लाने में ये बहुत हेवी फ्लावरिंग में बहुत अच्छा हेल्प करता है। और ये मनी प्लांट और इंडोर प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसे भी आप डायरेक्ट प्लांट में आप दे सकते हैं ये चाय की पत्ती को। और मैं इसमें भी चाय की पत्ती यूज करती हूँ, इसे फेंकती नहीं हूँ। तो ये पत्तों को शाइनिंग लाने में चाय की पत्ती बहुत अच्छा हेल्प करता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। तो चाय की पत्ती को भी फेंके नहीं, अच्छी तरह से धो के सुखा के एक दिन पानी में इसे लिक्विड फॉर्म में दें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इस चाय की पत्ती से। इसके अलावा आप आलू के जो छिलके निकलते हैं उसे भी ओवरनाइट पानी में रख के आप उसे यूज कर सकते हैं। और आप या चना वगैरह फुलाते हैं, काले चने हुए या मूंग हुआ, तो उसका भी पानी आप फेंके नहीं, उसे भी आप यूज करें। मैं उन सब चीज़ों को नहीं फेंकती हूँ। तो देखिए कितने सारे, मैंने बहुत दिनों से कोई वैसे तो मैं केमिकल यूज करती नहीं हूँ और ऑर्गेनिक में मैं यही सब यूज करती हूँ। और ये देखिए मेरा ये सौंफ का पौधा, तो मैं सब पर यूज करती हूँ। उन सब चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं, या सब्जियों के छिलके होते हैं उसे भी पानी में रख के आप ओवर नाइट रखें, दूसरे दिन पूरे प्लांट में पानी मिला के या डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक है कुछ फर्क नहीं, छान के दे सकते हैं। तो ये सारे लिक्विड फर्टिलाइजर को आप बेहिचक होके सारे वेजिटेबल हो इंडोर प्लांट में यूज कीजिए, और फ्री का है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो इन्हें फेंके नहीं, और कचरे में जाने से इससे अच्छा है कि आप अपने गार्डन में यूज करें। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।